पापा कारीगरी का काम करते हैं और हम पांच बहन भाई है। बहुत गरीब स्थिति है, मैं एनीमिक पेशेंट हूँ, मुझे हर साल दो यूनिट ब्लड चढ़ता है, मैं कैसे जीऊँ ये बताओ सरकार। मैं कोटा से आई हूँ, मेरा नाम वर्षा कुमारी है और मैं एनएम कैडर से हूँ। मैडम देखिए, हाल फिलहाल 14 दिन आपको यहाँ पे है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं हम रोज आपको दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं आपकी खबरों को, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ आपके विरोध में हैं, विपरीत में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पास्ट की जो भूतकाल है आपका, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी आपके सामने जिससे कि आधार पर आप पहुँची हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या परिस्थितियाँ आपकी वर्तमान में हैं, डिटेल से बताएं। सर मैंने 10वीं पास करते ही घर वालों ने पढ़ाई छुड़ा दी थी, घर वालों ने पढ़ाई छुड़ा दी, मैं खुद पढ़ाने जाती थी और पढ़ाई भी करती थी और घर का सारा काम भी करती थी, फिर भी घर वाले पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद 12th पास की, उसके बाद घर वालों ने शादी कर दी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, जिससे मेरी शादी हुई वो बहुत बेकार था, शराब पीकर मुझे मारता था। शादी के बाद मेरे डिवोर्स हो गया, मैंने सोचा घर वालों के पास रहेंगे तो शांति से रहेंगे, मैंने आगे पढ़ाई की तो मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। नर्सिंग में नंबर आने के बाद भी घर वालों ने मना कर दिया कि कोई वो नहीं करेंगे, क्योंकि पापा कारीगरी का काम करते हैं और हम पांच बहन भाई है, बहुत गरीब स्थिति है। आज हम मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही। आज विधवा और तलाकशुदा लड़कियों के क्या जीने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मैंने सोचा था मैं नौकरी लगकर जिंदगी जीऊँगी, लेकिन सरकार ने तो रोड पे बिठा रखा है हमें। अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे हर साल, मैं एनीमिक पेशेंट हूँ, मुझे हर साल दो यूनिट ब्लड चढ़ता है, मैं कैसे जीऊँ ये बताए सरकार।